बंदों का, आओ देख तारीख सफर, आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर, उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स, अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते, अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। सफर आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। दखल अंदाजी की मुआफी चाहूंगा ऐ बादशाह। आओ मेरे दोस्त बैठो, बताओ जो तुम्हारे दिल में है। खड़े रहना बेहतर होगा, आपको बताने के लिए बेचैन हूं। तुम्हें पता है तुम अपने दिल की हर बात कर सकते हो। ये बड़ी बात है। कहो कि तुफल। मैं जा रहा हूं। क्या ये मुमकिन नहीं? बिन्यामिन और यहूदा के बेटे आपके दरबार में अब नहीं आएंगे। उन्होंने बगावत की बात छेड़ी है जो दूर दूर तक सूरमा लोग भी कर रहे हैं। मेरी पोती बदसभा की वजह से जो शर्मिंदगी हुई। अकेतोफल, हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत है, हमें सलाह देने और महल में हमारे कान बनने के लिए। ऐ बादशाह, आपको मेरे बूढ़े कानों की जरूरत नहीं, ना खुशी के ढोल सुनने के लिए जो लोगों में जोर जोर से बज रहे हैं। तब मुझे आपकी हिकमत चाहिए। हिकमत? हालात हिकमत से नहीं संभलेंगे, आपको तो मौजजा चाहिए। और आप मुझे इस हाल में छोड़ देंगे? मैं जा रहा हूं, पर कह नहीं सकता कब लौटूंगा। दाऊद के बेटे अबी सलोम ने उससे बगावत कर दी और अकीतुफल उसका मुशीर बन गया। मुल्क ही मुल्क में एक जंग छिड़ गई। मेरा बेटा अभी सुनो, कितना हसी कितना खुश। अभी सुनो, अभी सुनो, आप इतने गमजदा क्यों लग रहे हैं? हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है, आज सारा यरूशलम जश्न मना रहा है। मेरा बेटा अभी सलोम अब नहीं रहा। जीत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। योआब,
लोग इस जीत का सहरा तुम्हें बांध रहे हैं, मुझे नहीं। जीत या हार का सहरा सिर्फ बादशाह को बांधा जाता है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं बादशाह? इस वक्त जरूरी है कि आप सड़कों पर निकलें, पुराने दिनों की तरह नाचते हुए। वो बीता जमाना, वो पुराने दिन जब मैं सड़कों पर नाचा करता था। मेरा लाडला अभी सलो। ऐ बादशाह, आप उन तमाम सुरमाओं को शर्मिंदा कर रहे हैं जो आपके लिए बहादुरी से लड़े हैं। आप उस अभिसुलम का मातम मना रहे हैं जिसने आपसे बकावत की थी, पर अपने शहीद हुए दोस्तों के लिए नहीं जिन्होंने मरते मरते आपसे मोहब्बत और वफादारी की थी। अब बाहर चलकर अवाम को दिखाइए कि आप उनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं। हमें अकेला छोड़ दो। ए बादशाह, ऐसे मौकों पर ऐसा होता है, पर हमें तनहा नहीं रहना चाहिए। मुझसे बात कीजिए। ये आसान नहीं। पता है, कुछ तो कहिए। शायद तुम ही वो हो जो हमारी बात को समझोगे। यही वो बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। थोड़ा सा जलाल हम पर से जाता रहा, खुशी की चमक बुझ गई। आप क्या कहना चाहते हैं मैं कुछ समझी नहीं। जब समीउल मेरे घर आए थे और मुझे तेल का मस्सा दे गए, मुझे लगा अल्लाह मुझसे मोहब्बत रखता है, क्योंकि मुझे लगा मैं उसके कवायद पर पूरा उतरा। इसीलिए उसने मुझे चुना, और वो कमजोर और गुनहगार लोगों से सख्ती बरतता। अब मैं खुद को औरों से अलग नहीं पाता। बस मेरा दिल वो असलियत दिखाने के इंतजार में था जो दाऊद है। दाऊद नहीं, यह शर्म हमेशा मुझ में थी, इंतजार करती हुई। पहले मैं किसी से नहीं डरता था, हैवानों तक से नहीं। अगर आज वो जमीन पर पाए जाते तो उनके सामने जाने से भी डर जाता। मैं डरता हूं कहीं साहुल की तरह अपने खेमे में ना बैठा रह जाऊं। नहीं, मुझे वो जमाना याद है जब आप खुशी और एतमाद से भरकर मैदान जंग से घर लौटा करते थे। तब आप में खौफ नहीं होता था। अब जिंदगी में पहली बार मैं खौफ ज्यादा हूं, डरा हुआ हूं। हमने योआब को हुक्म दिया है कि वो इसराइल के सुरमाओं की गिनती करें। नहीं दाऊद, मुझे अल्लाह कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसराइल में भी नहीं। अब मैं क्या करूं बताओ मुझे। तुमने अपनी ताकत पर कभी भरोसा नहीं किया था,
आज मैं छोड़ दिया गया हूं। मुझे अल्लाह ताला कहीं भी नहीं मिलता। दाऊद, अब तो आप खुद ही अल्लाह से दूर हो चुके हो। या इलाही, रात और दिन मैं तेरे लिए रोता हूं, पर तू मेरी नहीं सुनता। मुझे अपनी जवानी के दिन याद है जो गुजर चुके। तू ही मेरा चौपान था और मैं तेरी एक भेड़ था। अब मैं काली अंधेरी गारों में भटकता जा रहा हूं या किसी सयाखाई में गिरता जा रहा हूं। क्या इस अंधेरे का कोई खात्मा नहीं है? क्या तेरे प्यार की रोशनी में लौटने का कोई रास्ता नहीं रहा? मैंने एक बड़ा गुनाह किया है, मेरी रूह खाली है अल्लाह। क्या तेरी मोहब्बत की रोशनी में लौटने का अब कोई रास्ता नहीं बचा मेरे रब? अल्लाह ने मुझे आपको एक पैगाम देने भेजा है। फरमाइए, मैं वो सब सुनूंगा जो अल्लाह ताला की तरफ से होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तेरे सामने तीन बलाएं पेश करता हूं और तू उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं उनमें से एक तुझ पर नाजिल कर सकूं। या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे, वो तुझे रगे दें, या तेरी ममलुकत में 3 दिन तक मरी हो। सोच ले और गौर कर। अल्लाह ताला के हाथों में पड़ना बेहतर है बनिस्बत किसी इंसान के हाथों में पड़ने से, क्योंकि अल्लाह की रहमत अजीम है, इसलिए आखिरी ही बेहतर होगी। याद, ऐसा क्योंकि मुझे सजा नहीं मिल रही है? ओ बादशाह होते आपको दूसरों से पहले ही कहीं बड़ी सजा मिल रही है। मैंने बनी याकूब के सूरमाओं को गिना, मैंने अपना भरोसा अल्लाह पर नहीं रखा अपनी जान के खतरे से। जिस्मानी मौत से कभी डरना नहीं चाहिए और रूहानी मौत के होते इंसान के दिल में खौफ होना चाहिए। मैं अपने रब के कलाम की इज्जत करूंगा। आपने ही चुना है। लेकिन उसका फैसला तो लेना ही होगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन इस और कोई चारा भी तो नहीं है। चलिए सब कुछ सोच समझ कर हमें बादशाह के पास ले चलो। जी जरूर, उन्हें आपका ही इंतजार है।
अफवाह फैल रही है बादशाह सलामत। बैतलहम और शिमाली इलाकों में हजारों लोग मर रहे हैं। यरूशलम से क्या खबर है? हम शिमान और दक्खन से मुतासर होंगे। खलिहान में आपकी नजर करता हूँ। नहीं, हम इसकी कीमत देंगे। ये रब्बुल अफवास के लिए है और ये मैं आपको देना चाहता हूँ। समझ में नहीं आता आप इतना बड़ा एजाज मुझसे क्यों छीन रहे हैं। अरोना, अगर अल्लाह ने तुमसे ये फरमाया होता तो हम कबूल कर लेते, पर उसने हमसे ये फरमाया है कि उसे ऐसी कुर्बानी मंजूर नहीं जिसमें मेरा कुछ खर्च ना हुआ। तो जो कीमत देना चाहते हैं दे दीजिए। जमीन के वाजिब दाम क्या होंगे? 600 सोने की अशरफियां। हमारा हुक्म बजा लाया जाए। आग तो जल रही है, हमने बहुत जानवर मारे हैं। इन बैलों का खून मेरे दिल में बसी शर्मिंदगी और गुनाहों को कैसे मिटा पाएगा? जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हो जाऊं मेरे रब। मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हो जाऊं। मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। ऐ अल्लाह, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। मेरे बातिन में असरे नामुस्तकीम रूह डाल। और बादशाह ने दाऊद को एक और बेटा दिया जिसका नाम सुलेमान रखा गया, और उसके बाप के बाद उसकी ताजपोशी हुई, और अल्लाह ने सुलेमान को चुना उस शानदार हैकल को पूरा करने के लिए जिसका ख्वाब दाऊद ने देखा था। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त।